हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम कॉम माई नेम इज़ रमनदीप सिंह सो स्टूडेंट्स पी एन बी एस ओ क्रेडिट ऑफिसर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नोटिफिकेशन इज आउट एंड टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस पेपर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द पी एन बी एस ओ क्रेडिटिफिसर एग्जाम यू शुड नो वट वॉज आज इन द प्रीवियस पेपर पिछले सालों में क्या पूछा गया है ये आपको पता होना चाहिए राइट सो लेट्स स्टार्ट द सेशन जो एग्जाम हुआ था 2020 में हुआ था जो लास्ट एग्जाम हुआ था जो क्रेडिट वाला हुआ था राइट सो दिस ईयर द एग्जाम पैटर्न है इसकी रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स राइट इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स क्वांट में 50 क्वेश्चंस हैं प्रोफेशनल नॉलेज में 100 क्वेश्चंस हैं ठीक है सो टोटल यू कैन सी 200 मार्क्स आर देयर फॉर 200 क्वेश्चंस 120 मिनट्स आर अलॉटेड सो एक सौ मिनट में कोई सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे नहीं है 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं सो टाइम मैनेजमेंट इज़ एन इशू हेयर टाइम मैनेजमेंट का एक इशू आपको ज़रूर फेस करने को मिलेगा 100 क्वेश्चन यू शुड ट्राई टू डू विद इन लाइक 40 मिनट्स 40 50 मिनट्स के बीच बीच में आपको करने पड़ेंगे इससे और 30 मिनट के अंडर अंडर आपको क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड करना है और बाकी के 30 मिनट्स में आपको रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज करना है So, this is, uh, sort of 30 टू 40 मिनट लगा लीजिए 30 35 minute यहां पे लगा लीजिए 30 35 मिनट यहां नो आइडियल वॉट यूज इट टाइम मैनेजमेंट जो है टाइम एलोकेशन आइडियल टाइम एलोकेशन यही है आपके लिए सो so, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आस्ट इन द प्रीवियस एग्जाम जो 2020 का एग्जाम हुआ था उसमें प्रोफेशनल नॉलेज में, profession knowledge में कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है वेटेज ज्यादा है प्रोफेशनल नॉलेज का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में से क्वेश्चन आए थे वेरी इंपॉर्टेंट मास्टर सर्कुलर इफ़ एनीबडी इज टेलिंग यू कि आरबीआई के सर्कुलर लास्ट सिक्स मंथ्स के पढ़ लीजिए तो गलत है वो क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अपडेट नहीं हुआ है काफी टाइम से बट यू हैव टू स्टडी दिस रेशियो एनालिसिस में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं हर बार आते हैं लाइक फोर फाइव क्वेश्चन आर देयर एवरी टाइम इवन दिस टाइम यू आर गोइंग टू सी फोर फाइव क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉन फंड बेस्ड लिमिट में से क्वेश्चन आए थे कैपिटल बजटिंग थ्रेटिकल पोर्शन आता है इमरजेंसी क्रेडिट ऑफ लाइन क्रेडिट लाइन में से क्वेश्चन आता है वर्किंग कैपिटल आर बी में से बहुत सारे क्वेश्चन आर बी में से देखने को मिले थे एम एस एम ई की डेफिनेशन ट्वेंटी ट्वेंटी में रिसेंटली चेंज हुई थी तो उसमें से क्वेश्चन आना ही था बैलेंस शीट में से क्वेश्चन आया था मुद्रा स्कीम में से क्वेश्चन आए थे क्रेडिट अप्रेजल में से ए आर सी रेगुलेटर कौन है उस टाइम पे पॉपुलर था लिमिटेशन एक्ट जो हम हर साल करवाते हैं हर बार करवाते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है हमने अपने यूट्यूब चैनल पे भी करवाया है सरफाइसी एक्ट डी आर टी गवर्नमेंट स्कीम्स में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं आपको पिछली बार भी सात आठ क्वेश्चन देखने को मिले थे इस बार भी देखने को मिले गए स्टार्टिंग बैंकिंग और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन पिछले साल आए थे पिछली बार आए थे और इस बार भी आएंगे इन द रीजनिंग एबिलिटी पजल वॉज देयर पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स एलाजिज्म मशीन इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन स्टेटमेंट एंड एक्जाम्शंस कोडिंग डी कोडिंग डायरेक्शन सेंस टेस्ट इन इक्वालिटी ब्लड रिलेशन स्टेटमेंट एंड कॉस ऑफ एक्शन एंड डेटा सफिशियंसी सो ये सारे टॉपिक्स में से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे इस बार आउट ऑफ तो ट्वेंटी फाइव न एक्सपेक्ट वन सेट ऑफ सीटिंग अरेन्जमेंट और पजल बाकी के थोड़े थोड़े क्वेश्चन दो दो तीन तीन क्वेश्चन फ्रॉम मशीन इनपुट आउटपुट सेलॉजिज्म कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड स्ट्रेस ब्लड रिलेशन एक एक दो दो क्वेश्चन आप इन सब में से एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन डी आई इज देयर ठीक है फिफ्टी क्वेश्चन आदर सबसे पहले 50 क्वेश्चन हैं आपके एंड डीआई में से यू कैन एक्सपेक्ट की दो तीन सेट आ जाए नंबर सीरीज में से पांच सेट क्वेश्चन का एक सेट आ जाएगा सिम्प्लीफिकेशन वेरी ईजी सबसे ईजीएसट टॉपिक अगर इस पूरे क्वान्ट के सेक्शन में है सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज़ है प्रोबेबिलिटी इज़ टफ बट पेपर में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर टाइम एंड डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेशन इज़ वेरी ईजी then rest of the arithmetic topics like time and work, time speed and distance, problem based on trains, pipes and systems, partnerships, averages ये सारे टॉपिक्स में से questions आए थे लेकिन simplification approximation और नंबर सीरीज एंड देन the डी these are the most मोस्ट ईजीएसट टॉपिक्स आई वुड से सबसे ईजी टॉपिक यही हैं और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी यही है इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रियशन यू आर गोइंग टू सी आपको रीडिंग कॉम्प्रियशन देखने को मिलेगा एरर स्पॉटिंग देखने को मिलेगा मिल जो पिछले साल आए हैं पैरा पैराजंबल्स क्लोज टेस्ट कॉलम मैचिंग आया था रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आया था तो ये सारे टॉपिक्स हमें पिछली बार देखने को मिले थे और इस बार भी हमें सिमिलर टॉपिक देखने को मिलेंगे एक चीज़ का ध्यान रखें कि अकाउंटिंग के बेसिक्स करने बहुत ज़रूरी हैं अकाउंटिंग के बेसिक्स भी आप ज़रूर जरूर करें अकाउंटिंग के बेसिक्स आप ज़रूर करें आपको एक बेसिक बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए बेसिक जनरल एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं तो ये एडिशनल हम इस बार पढ़ाने भी वाले हैं एफ भी हम पढ़ाएंगे पूरा रेशियो एनालिसिस कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल कैपिटल बजटिंग ये सारा भी हम पढ़ाएंगे ये सारा आर के सर्कुलर्स ये सारे जो मास्टर सर्कुलर्स हैं ये भी सारे के सारे हम पढ़ाने वाले हैं सारी स्टैटिक बैंकिंग भी हम पढ़ाने वाले हैं एन आर पी एन भी एसओ क्रेडिट ऑफिस ऑफ कॉर्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इसमें हम सारी की सारी विडियो क्लासेस नोटिस पावर कैप्सूल्स और लाइव सेशन प्रोवाइड करने वाले हैं लिंक जो है ज्वाइन करने का नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले साल हमारा कोर्स लिया है एंड दे क्रैक करैदेक्टिव एग्जाम्स आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर देम सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र आई बी पी एस आर आर बी जीबीओ स्केल थ्री ये सारे पी एन बी एसओ क्रेडिट ऑफिसर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ये हमारे स्टूडेंट्स डे जो फाइनली गॉट सेलेक्टेड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू दैम सो ऑल दी स्टूडेंट्स दू का कोर्सिस इन द पास्ट एंड दे क्रैक द रिस्पेक्टिव एग्जाम्स आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर देम अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं वी आर गोइंग टू गिव यू आर व्हाट्सएप नंबर द व्हाट्सएप नंबर इज नाइन जीरो सिक्स सेवन टू जीरो वन ट्रिपल जीरो दिस इज आर व्हाट्सएप नंबर एंड हेर यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड वी आर गोइंग टू आंसर योर डाउट्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे बाय बाय